गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए निरंकार जी। आज का टॉपिक है स्वर्ग और नर्क सब यही है। प्यारी सत्संग जी, आदमी को अपने कर्मों के अनुसार उसे फल मिलते हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही हमें स्वर्ग और नर्क का अनुभव होता है। ऐसे हालात हमारे जीवन में अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि जिंदगी जो है ना, हमारे कर्मों का लेखा जोखा और हिसाब किताब है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर हमने संतों का संग कर लिया है, परमपिता परमात्मा को जान लिया है, प्रभु के साथ जुड़े हैं, सेवा सत्संग सिमरन अगर हम कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में एक माहौल बनेगा जो स्वर्ग का वातावरण बन जाएगा। हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। तो इसके लिए सत्संग का इफेक्ट, सत्संग के प्रभाव में हमें रहना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा। सत्संग ही स्वर्ग है। अगर हम सत्संग दिन रात कर रहे हैं, परमात्मा के साथ कनेक्ट हैं, तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। और जहाँ पर शांति है, जहाँ पर प्यार है, वहीं तो स्वर्ग है। इसके विपरीत अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं और संसार में रहना शुरू कर देते हैं, हमारे मन में संसार बस गया है, तो फिर हमारे जीवन में चिंताएं रहती हैं, दुख तकलीफ आता है। और जहाँ पर चिंता है, दुख तकलीफ है, वहीं तो नरक है। परे सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि दूसरों का हित करने जैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने जैसा कोई अधर्म नहीं है। तो हमने सबको सुख देना है, सबको परमात्मा के साथ जोड़ना है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, कि हमने दया भाव से सारे प्राणी मात्र से प्रेम करना है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ में हम प्रेम ना करें। हमने सभी से प्रेम करना है, सभी को रिस्पेक्ट करना है। और यही बात हमें समझाई जाती है कि सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी, कि सब में परमपिता परमात्मा है, सब में ये निरंकार है, सब में ईश्वर बस रहा है। तो सभी का आदर सत्कार करना है। अगर हमारे मन में सभी के लिए रिस्पेक्ट है, सभी के लिए प्रेम है, तो फिर एक स्वर्ग का वातावरण हमारे मन में है और हम एक स्वर्गमय वातावरण में रह रहे हैं। लेकिन अगर किसी के प्रति हमारे मन में नफरत है, निंदा है, चुगली है, द्वेष की भावना है, हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो फिर एक नरक का माहौल बन जाता है। तो स्वर्ग और नरक सब यही है, बस हमारे मन की अवस्था है। स्वर्ग नरक हमारी सोच विचार पे डिपेंड होता है, हालात पे डिपेंड होता है। हमारी सोच विचार कैसे हैं, हमारे हालात कैसे हैं, तो अगर हमारे हालात अच्छे हैं तो हम संतों का संग कर रहे हैं, तभी हमारे हालात अच्छे बने हैं। अगर हम संतों का संग नहीं करेंगे तो हमारे हालात बिगड़ जाएंगे। जब परमात्मा याद है, परमात्मा के साथ में अगर हम जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो जीवन है वो सुंदर बन जाता है। अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो परमपिता परमात्मा का बोध करना होगा। सद्गुरु कृपा से संतों का संग करके हमें परमपिता परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति करनी होगी। और जिस घर में परमात्मा की भक्ति होती है, गुरु के कहे अनुसार हम चलते हैं, तो उस घर में फिर स्वर्ग है। गुरु को आगे रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तीस जन को तीन लोक भय नाही। कि अगर गुरु के वचन को आगे रख रहे हैं तो फिर ऐसे सेवक को दुनिया में कोई डर नहीं होता है। लेकिन जो गुरु की बात को नहीं मानते हैं, जागर गुरु की भक्त नहीं, संत नहीं मेहमान, और तागर यम डेरा किया जीवत भय मसान, कि जहाँ पर गुरु की भक्ति नहीं है, सेवा सत्संग सिमरन नहीं होता है, फिर वहाँ तो काल का एक यमराज का वास होता है। वहाँ पर एक भय का माहौल होता है, डर का माहौल होता है, निगेटिव एनर्जी होती है। लेकिन जहाँ पर दिन रात सत्संग होता है, निरंकार की बातें होती है, गुरु की चर्चा होती है, तो वहाँ पर स्वर्ग का माहौल बन जाता है। स्वर्ग नरक बस एक ही है कि जहाँ पर सदगुरु है, निरंकार है, संतों का संग है, वही स्वर्ग है। और जहाँ पर गुरु नहीं है, तो जहाँ पर सदगुरु नहीं रहेगा, फिर वहाँ पर क्या रहेगा? फिर वहाँ तो फिर नरक ही नरक है। तो प्यारी साध संगत जी, हम केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़े, सेवा सत्संग सिमरन करें। प्यार से बोलिए निरंकार जी।